विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के पांचवे चरण का आगाज पूरे जोशों खरोश से हुआ। लखनऊ के विभिन्न पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में सुबह से ही गजब का उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के आगमन का सिलसिला जो शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर चुनाव की मतदाता पर्चियों में भी गड़बड़ियां देखने को मिली। कई नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं तो कुछ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में डिलीट दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए एक विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी के साथ। कि आपने देखा आपके संज्ञान में हम सुबह से 2 घटनाएं डाल चुके हैं और राजाजीपुरम लखनऊ राजाजीपुरम स्थित रेड रोज के क्षेत्र में चुनाव में की पर्चियों में गड़बड़ी एक और सामने आई है। हमारे साथ एक सज्जन है जो अपना वोट डालने के लिए गए थे मगर उनका वोट पर्ची में डिलीटेड शो कर रहा है। ये बात करते हैं। आपका शुभ नाम सर? रवि कुमार। रवि कुमार वाणी जी, आपके साथ क्या हुआ है, क्या आपके साथ घटना हुई? मैं मॉर्निंग 8:30 बजे से वोट डालने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी सिस्टर इस समय जो है साउथ कोरिया से होते हुए आई है लखनऊ वोट डालने के लिए। तो मेरी पूरी फैमिली आप देख सकते हो यहाँ पे सबका नाम इस पर्ची में डिलीटेड डाल दिया है, बट इनका नाम यहाँ से शिफ्ट करके इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डाल दिया है। ये बात तो मेरे को समझ में आ गई, बट मेरा नाम यहाँ पे है और डिलीटेड है। मैं जब 1.5-2 घंटे लाइन में लग के वोट डालने गया तो उन्होंने कहा वोट नहीं डाल सकते हो, आपका नाम डिलीटेड में आ गया है। तो अगर डिलीटेड में है तो बाकी सप्ताह भी डिलीटेड में रखें। ये लोग यहाँ डिलीटेड हैं, इनकी पर्ची मेरे हाथ में है, आप देख सकते हो। ये देखिए मनोहर लाल जी की पर्ची मेरे हाथ में है और भूमिका जगवानी की पर्ची मेरे हाथ में है, विजय कुमार जगवानी की पर्ची मेरे हाथ में है और पुनीत कुमार जगवानी की पर्ची मेरे हाथ में है। पूरी फैमिली की फैमिली को यहाँ पे जो है डिलीटेड कर दिया है। तो अब मैं इस बार पहली बार जब से मैं 34 साल का हुआ हूँ पहली बार मैं वोट नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आपने देखा मतदान की पर्चियों में गड़बड़ी किस कदर हुई है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, मगर ये गड़बड़ियां थमने का नाम ले रही नहीं। ड्रीम इंडिया स्कूल में हमारे साथ हैं सज्जन जो कि यहां पर एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं मतदान के लिए भी, मतदाताओं के लिए भी, जो कि विकलांग मतदाता अपने साथ लेकर आ रहे हैं और उनका वोट डलवा रहे हैं। आपका शुभ नाम? तो देखिए मैं समाज सेवा से बचपन से ही रहा हूँ और तमाम तरह की NSS NCC इसमें लगा रहा।